आप देख रहे हैं एनटीवी टाइम। कोरोना वायरस कमेटी लोकेशन दुर्ग। जानलेवा कोरोना वायरस की दस्तक छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी हो गई है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दुर्ग के ही एक परिवार के 3 संदिग्ध सदस्यों का ब्लड सैंपल लेकर पुणे जांच के लिए भेजा गया है। दरअसल ब्लड सैंपल देने वाला संभावित परिवार का एक सदस्य हाल ही में चीन के दौरे से लौटा था। मिली जानकारी में प्रशासन ने एक्शन लिया और तत्काल इनसे संपर्क गए। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इनका ब्लड सैंपल लेकर उसे जांच के लिए भेज दिया है। जिला कलेक्टर अंकित आनंद की माने तो ये सिर्फ एहतियातन कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि 2 दिनों के बाद जांच रिपोर्ट आएगी। उन्होंने ये कहा कि उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। परिवार के 3 लोगों का सैंपल लेने के बाद कलेक्टर ने रैपिड एक्शन कमेटी भी गठित कर दी। इससे निपटने जांच कमेटी के गठन किया गया है, जो इस जानलेवा वायरस से निपटने की पूरी तैयारी करेगी। तो वहीं इन सदस्यों को जिला प्रशासन ने जांच रिपोर्ट आने तक होम आइसोलेशन में रखने का प्रबंध किया है। इसके अलावा कोरोना वायरस से बचने के लिए जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है। चीन और थाईलैंड से दुर्ग वापस आने वाले लोगों पर भी जिला प्रशासन की पैनी नजर है। जिला कलेक्टर ने अपील की है कि कोरोना वायरस क्षेत्र से आने वाले लोग निजी क्लिनिक या जिला अस्पताल में अपना ब्लड सैंपल करवा सकते हैं। भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार बिल्कुल निःशुल्क है। बहरहाल कोरोना वायरस से बचने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। एनडीवी टाइम के लिए दुर्ग से सुनील चौहान की रिपोर्ट। भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं, उसमें यह है कि जिन लोगों ने रिसेंट टाइम में यानी 15 जनवरी के बाद चाइना, थाईलैंड या वैसे देश जो जहां पर कि कोरोना वायरस का प्रकोप अभी है, वहां से ट्रेवल किया है और इंडिया में आए हैं, उन लोगों को एहतियातन ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप अपना सैंपल दें। दुर्ग में भी पद्मनाभपुर में MIG कॉलोनी में एक परिवार जो कि चाइना से ट्रैवल करके आया है, उनकी सहमति से परिवार के 3 सदस्य हैं, उन 3 के सैंपल भेजे गए हैं। ये एक कम्प्लीटली एहतियातन स्थिति ये निर्मित हुई है। इसमें कतई ये कंक्लूड नहीं करना चाहिए कि संबंधित व्यक्तियों को कोरोना वायरस से वो पीड़ित हैं। इनफैक्ट जो सैंपल भेजा गया है उसका रिपोर्ट 2 दिनों में अपेक्षित है। इसमें सामान्य जो कोरोना वायरस के लक्षण होते हैं उसमें सर्दी खांसी के लक्षण आते हैं। परिवार के 1 सदस्य को सर्दी खांसी है, बट ये हम आप किसी को भी हो सकता है, ये बहुत ही सामान्य लक्षण है। इसका कहीं भी कोरोना वायरस से कन्फर्म टेस्ट कहा जाना संभव ही नहीं हो सकता है। तो उसकी रिपोर्ट हमको 2 दिनों में प्राप्त होगी। कहूँगा कि यदि कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित स्थानों से, जिसमें कि चाइना और थाईलैंड 2 कंट्री बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन जगहों से लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, इसके अलावा भी 21 और कंट्री है जहाँ पर कि कोरोना वायरस का प्रकोप है, वहाँ से अगर ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो तत्काल अपने सैंपल डिस्ट्रिक्ट के जो अस्पताल है या प्राइवेट क्लिनिक से भी संपर्क करेंगे तो वो भी इसमें रूटिंग कर देंगे और वह अपना सैंपल दे। सैंपल की टेस्टिंग एक सामान्य प्रक्रिया है, 3 दिनों में रिजल्ट आएगा। सैंपल की टेस्टिंग और रिपोर्ट पूर्णतः निःशुल्क है और भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए